शहडोल जिले की आरपीएफ पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय बदमाश को गिरफ्तार किया जो ट्रेन में यात्रियों को बेहोश कर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था, जिसे आरपीएफ ने पकड़कर जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल रीवा बिलासपुर ट्रेन में एक बुजुर्ग महिला सतना स्टेशन से चढ़ी, जिसे बिलासपुर से उसलापुर जाना था। महिला के बगल में बदमाश आकर बैठ गया और कुछ ही देर बाद वह महिला की चाय में नशीले टेबलेट मिलाकर उसे पिला दी, जिसके कारण महिला गहरी नींद में सो गई। देर रात जब आसपास के यात्री भी सो गए तो आरोपी ने बड़ी चलाकी से कटर द्वारा महिला के शरीर से जेवर काटने लगा। कुछ ही मिनट में आरोपी ने महिला के गले से मंगलसूत्र पैर में पायल काट ली और अपने पास रख लिए। ट्रेन जब पाली स्टेशन पहुंची तो आरोपी महिला के कान व झुमके काटने का प्रयास में था, जिस दौरान एक यात्री ने प्लेटफार्म पे खड़े आरपीएफ जवान को संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी दी। जवान ने मुस्तैदी के चलते बदमाश को शहडोल रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया। आरोपी ने जिस महिला को नशीली दवाई पिलाई थी उसकी तबीयत काफी बिगड़ती जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह इस काम में बीते 26 सालों से कर रहा है और वह अभी तक पकड़ाया नहीं। ट्रेन रीवा बिलासपुर में एक महिला के साथ जहर खुराने का मामला सामने आया है। जो महिला सतना से बिलासपुर यात्रा कर रही थी, एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन कटनी में चाय में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और उसके बदन में पहने जेवरात, मंगलसूत्र, पायल और पर्स में ब्लाउज के अंदर रखे पर्स में पैसे निकाल कर चोरी कर लिया। सूचना पर से आरपीएफ द्वारा महिला एवं आरोपी को उतारा गया। महिला की बेहोशी हालत में होने से उसे जिला अस्पताल शहडोल में भर्ती कराया गया है, जिसका भी इलाज चल रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से महिला द्वारा बताए गए, महिला के पास से मिले सारे सामान मिल गए हैं, जब्त किया गया है। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।